तो ये क्या है, ये मुझे अजीब लगा, ये कौन से अंगूर हैं? ऑलिव्स, ओके। तो ये मैंगो ढूंढ रहा हूँ, मैंगो नहीं मिल रहा अभी। ओ मैंगो का नाम लिया, मैंगो मिल गए, वाओ। तो मैं आ गया यार एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम करने वाले हैं फार्मिंग, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज हम फार्मिंग करने वाले हैं उन वेजिटेबल्स का जो कि आज तक तुमने देखी नहीं होगी, यानी कि आज हम सारे वेजिटेबल्स का फार्मिंग करने वाले हैं। और मैं वो फ्रूट्स के भी ट्रीज उगाने वाला हूँ जो फ्रूट्स तुमने अपने माइनक्राफ्ट में कभी भी नहीं देखी होंगी, यानी कि हम मैंगोज, बनाना, पता नहीं कौन कौन से फ्रूट्स के ट्रीज उगाने वाले हैं। और यार हमारा आईफोन 12 का गिव अवे चल रहा है जो कि अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन अक्टूबर में रिलीज़ होने वाला है आईफोन 12। और मैंने प्री ऑर्डर कर चुका हूँ दो आईफोन 12, जिसमें से एक मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा कि इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, यानी कि एक भी सेकंड मिस मत करो। और हमारे चैनल आई एम खलील को सब्सक्राइब करना होगा, और जाओ यार इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। बस ये तीन स्टेप करो तो क्या पता यार आईफोन 12 तुम जीत सको। तो ये मेरे लाइफ का पहला गिव अवे है और मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, तो ये तीनों स्टेप करो यार। और चलो यार गेम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं कि इस विलेज में ढूंढते हैं कि हमें फार्मिंग लाइक क्या कुछ मिलता है, हमें क्या उगाने, हमें वेजिटेबल्स उगाने पड़ेंगे, फार्मिंग करनी पड़ेगी वो वेजिटेबल्स की जो कि आज तक तुमने माइनक्राफ्ट में देखा नहीं होगा। और हाँ, हमें वो फ्रूट्स के भी ट्रीज उगाने पड़ेंगे जो फ्रूट्स के ट्रीज तुमने आज तक माइनक्राफ्ट में देखे नहीं होंगे, यानी कि हम एप्पल, बनाना, के चेरी, हाँ चेरी होता है ना, चेरी, और क्या होता है पाइनएप्पल, और क्या होता है ऑरेंज, मैंगो, परन किस किस की ट्रीज उगाने वाले हैं और ऐसा तुमने ट्रीज माइनक्राफ्ट में देखे नहीं होंगे। तो ये देखो हमारे पास कितने ज़्यादा सीड्स पड़े हुए हैं, ओ माई गॉड, इसमें टमेटोज, ऑनियन, परन क्या पोटैटोज, राइस भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, वाओ, इसमें सारे के सारे वेजिटेबल्स के सीड्स हैं। तो सोचो फार्मिंग में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कॉर्न, एप्पल पता नहीं क्या, बनाना, चेरी, पता नहीं सारे फ्रूट्स हैं यार, यहाँ पे भी सारे फ्रूट्स हैं। तो ये भी उगाएंगे, इनका छोटा सा जंगल बनाएंगे। तो ये चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं जिनकी हेल्प से हमें सब कुछ करना है, हमारे पास सब कुछ पड़ा है, हमें सिर्फ मेहनत करनी है थोड़ी सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से बकेट ऑफ वाटर लेते हैं, क्योंकि हमें फार्मिंग के लिए ना काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले हमें चाहिए इन्फिनिटी वाटर। तो इन्फिनिटी वाटर बनाने के लिए ना मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा टैंकी टाइप का बनाता हूँ, कुछ स्विमिंग पूल या टैंक वैंक कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो वो बन जाता है दो बकेट ऑफ वाटर से, लेकिन मैं उसमें चार यूज़ करूँगा, क्योंकि हमारे बकेट ऑफ वाटर किसी काम के नहीं है अभी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पानी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें ना इस जंगल के नहीं, इस विलेज के ना चारों तरफ हमें फार्मिंग करनी होगी, ताकि यार वो थोड़ा सा खूबसूरत भी लगे और ये फार्मिंग हमारे विलेजेस की भी काम आ जाए। तो विलेजेस मुझे पक्का थैंक्स बोलेंगे बाद में, क्योंकि इनके खाने के लिए मैंने बहुत कुछ बनाने वाला हूँ। तो ये मैंने ब्लॉक्स कितने लिए हैं यार, मुझे इन ब्लॉक्स को गिनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फार्मिंग डिज़ाइनिंग के साथ करनी है, मैं नहीं चाहता कि बुरा लगे। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, हम 8 ब्लॉक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं कितने ब्लॉक्स लूँ, तो यहाँ से लेने पड़ेंगे 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पे करना पड़ेगा हमें, ताकि बीच में 8 ब्लॉक का गैप हो। तो यहाँ से मैं काम करना शुरू करता हूँ, ये मैं फार्मिंग टाइप का कुछ बना रहा हूँ, तो वहाँ पे हम अपने वेजिटेबल्स उगाएंगे, ठीक है। तो ये लास्ट रह गया है, इसके बाद मैं बस करूँगा, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा सीड तो पड़ा हुआ है कि इसमें पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि ये जो ब्लॉक्स हमने हटाए हैं इनके अंदर हमें डालना होगा पानी। तो मुझे बहुत सारा पानी चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से अपने सारे के सारे बकेट को फुल करो और इनके अंदर पानी डालो। अभी बहुत सारी मेहनत लगनी है, तो सारे के सारे ब्लॉक्स जो हमने हटाए थे इन सब के अंदर हमें पानी डालना होगा। तो चलो यार मेहनत करते हैं। तो ये रह गया लास्ट वाला, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी देखो हमने सारे के सारे में पानी डाल दिया, अब हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले करना होगा ये कि मुझे है सोना, क्योंकि यहाँ अभी रात को मैं काम नहीं कर सकता, तो मुझे सोना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बेड चाहिए। तो बेड, हेलो सर, हट जाए प्लीज़, हट जाए, हमें सोना है प्लीज़। तो गुड नाइट। अभी ना हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होए। होए इसलिए चाहिए क्योंकि हमें फार्मिंग करनी है, और फार्मिंग करने के लिए होए चाहिए होती है,
तो होए तो हमें मिल गया। और हमने क्या करना है कि अब जो पानी वाली जगह पे हमने जो हमने जगहें छोड़ी थी ना, वहाँ से हमें मतलब होए का यूज़ करना होगा। और जहाँ पे हम होए का यूज़ करते हैं ना, हम वहीं पे फार्मिंग कर सकते हैं, वहाँ पे हम कुछ ना कुछ उगा सकते हैं। तो ये भी हो गया। तो फाइनली हमारे सारे के सारे होए जगह हमने यूज़ कर लिया है। अब हमारा क्या रह गया, हमारा ये रह गया कि हमें सीड्स उठानी है और फिर हमें फार्मिंग करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये देखो ये सारी की सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं फार्मिंग करने के लिए। तो ट्रीज़ में उगाना शुरू करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि जब तक हम फार्मिंग करेंगे यानी कि हम वेजिटेबल्स उगाएंगे ना, तब तक ये ट्रीज़ अपने आप बड़े हो जाएंगे और इन पर फल भी लग जाएंगे तो मज़ा आएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि सारे के सारे वो जो है ना, मतलब सारे के सारे हमारे फ्रूट्स हैं ना, उन सब के 3-3 या 4-4 ट्रीज उगाता हूँ। ठीक है, इतना काफ़ी हमारे पास 3 या 4। तो चलो यार फिर से ये थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के साथ बनाऊँगा इसको मैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ना, इतना आसान नहीं है यूट्यूबर बनना। ठीक है, मेहनत करते हैं और ज़्यादा। तो सारे फ्रूट्स उगाने के बाद ना, अब हमें क्या करना होगा कि हमें फार्मिंग करनी पड़ेगी वेजिटेबल्स की। तो वेजिटेबल्स उगाने शुरू करते हैं। अजीब अजीब से वेजिटेबल्स हैं यार, चेक करो। यही चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है ना यार, देखो ये चीज़ पहली दफ़ा तुमने माइनक्राफ्ट में देखा होगा। मैं ट्राई करता हूँ वो चीज़ें लेकर आऊँ जो तुमने माइनक्राफ्ट में अभी तक नहीं देखी। तो ये तो देख लिया था, इस टाइप का शेप तो देख लिया था। कोई बात नहीं, अभी आगे चलो, आगे तुम्हें दूसरे वेजिटेबल्स के स्टाइल दिखाता हूँ, उनके उगने के तरीका ही कुछ और है। अब जैसे कि यहाँ पे हम उगाते हैं, ये देखो इनका थोड़ा डिज़ाइन चेंज हो गया। तो हर वेजिटेबल का उगाने का डिज़ाइन चेंज है, तो वो चीज़ थोड़ा फीलिंग बहुत मस्त फीलिंग लाती है यार, ऐसा लगता है जैसे हम न्यू गेम में। तो चलो ये देखो ये पता नहीं क्या है लेकिन बड़ा मस्त लग रहा है, छोटा सा। ठीक है, तो इसको भी उगा दिया। और अब यहाँ पे हम उगाते हैं टमाटोज। हैं ये क्या है ये क्या है यार, ऐसा टमाटोज ऐसे होते हैं क्या, उनका फल ऐसा होता है क्या? अरे फल नहीं होता इनका, अरे इनको क्या बोलूँ यार मैं। हाँ जो भी है, टमाटोज का इस तरह होता है क्या यार? नहीं यार, वैसे टमाटोज खुद भी एक फल है। ठीक है, वो खुद भी एक फ्रूट है। तो बाकी वेजिटेबल्स उगाते हैं, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो ये लास्ट रह गए हैं, उसके बाद हमारे सारे के सारे वेजिटेबल्स हो जाएंगे। और मैं तुम्हें एक और भी गुड न्यूज़ सुनाता हूँ, वो ये है कि हमारे थोड़े थोड़े फल उगना भी शुरू हो गए हैं। ये देखो थोड़े थोड़े ट्रीज़ बीच में उगना शुरू हो गए हैं। तो मैं अभी ये ट्रीज़ में कुछ भी अलग नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी इनमें फल नहीं हुए। जब इनमें फल होंगे ना, यानी फल इनमें जब फ्रूट्स उगेंगे ना, फिर तुम्हें बहुत मस्त लगेंगे ये ट्रीज़। तो 20 से 30 मिनट के वेट के बाद फाइनली हम बाहर आ गए। ये देखो मुझे आधा घंटे से ज़्यादा आई थिंक लगा है यार, मैंने खाना खाया, नहा के आया हूँ। अब देखो ये सारे के सारे उग गए हैं यार, अजीब अजीब से। ये देखो पता नहीं क्या कुछ है यहाँ पे यार, ओ माय गॉड। ये देखो ये तुमने माइनक्राफ्ट में कभी भी नहीं देखे होंगे, माइनक्राफ्ट में क्या तुमने किसी के माइनक्राफ्ट में नहीं देखे होंगे, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ वो चीज़ें लेके आऊँ जो तुमने पहले नहीं देखे। तो ये देखो वाओ यार, मैं इसके बाद तुम्हें फ्रूट्स भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी हम इसको ऊपर से देख लो। तो ये राइस आई थिंक, और ये क्या है यार पता नहीं, अजीब अजीब सी चीज़ें हैं। तो ये देखो ये पता नहीं क्या है, इनको काटेंगे ना फिर मज़ा आएगा। ओए सर 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 सर, ये फ्रूट मेरे फ्रूट हैं, इधर से हटो, मैंने इतनी मेहनत की है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है पागल, हट जा यहाँ से, हट। ओह गॉड ये नहीं हटेगा। तो ये देखो यार इसमें मैंगोज, ऑरेंज और लेमन और ये पता नहीं क्या है,
ओलिव का आई थिंक, और ये बनाना है, ये बनाना है, और एप्पल, पता नहीं क्या कुछ है यहाँ पे फ्रूट्स हैं, तो इन सबको भी काटेंगे और इनका जूस भी बनाएंगे। लेकिन 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 अभी तो तुम ऊपर ऊपर से देख लो ना, इस देखो ये सब में फ्रूट्स आ गए हैं, सब के सब में फ्रूट्स आ गए हैं यार, कितना मज़े का लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा है ना। अभी हमें एक काम करना होगा, ये करना होगा कि मैं इन सबको काट के देखता हूँ कि ये कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं और क्या कुछ है, ये सोरगम पनन क्या होता है, तो बाकी देखते हैं। और ये क्या चीज़ है, स्वीट पोटैटोज, ओए माय गॉड, ये मेरी फेवरेट है, इसको मैं पानी में उबाल के खाता था यार, अभी भी मुझे याद है, पानी में उबाल के खाते हैं यार, मिर्ची विर्ची लगा के, वाह। और ये पता नहीं क्या, ये पालक था ना आई थिंक, इसको लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये है क्या चीज़, ये मिला भी नहीं है हमें यार, ये मिल भी नहीं रहा, आई थिंक इसकी ये क्या यार, इस लकड़ी को लेते हैं क्या, ये मेरे ख्याल में जो राइस वाइस में डालते हैं वैसा कुछ है यार। ये ग्रेप क्या होता है पता नहीं क्या, ग्रेप्स तो सुनाया था मैंने, अंगूर, अंगूर तो नहीं लग रहे मुझे, अंगूर है क्या, पता नहीं क्या, ठीक है। तो ये तो मिर्ची है, पीपल, ठीक है। हेलो खाओ, चलो राइस खाओ, राइस खाओ, राइस खाओ, हैं खा लिया ये बाकी, मतलब ये भी खा सकते हैं यार, चलो मज़े करो यार, मज़े करो, मज़े करो, हैं यार। मैंने क्या कर रहा हूँ कि इसमें ना टॉर्चेस लगा रहा हूँ ताकि रात को नज़र आ सके, इन विलेजेस को नज़र आ सके, कितना प्यारा लग रहा है ना, अब देखो इन टॉर्चेस के बाद ये और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार, ये सीनरी चेक करो, पता नहीं क्या कुछ है यहाँ देखने को है यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये इनका मैं क्या करूँ, छोड़ो, तो ये चेक करो, वाओ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना टॉर्चेस लगाने के बाद। अभी हमें क्या करना होगा कि वेजिटेबल्स तो हमने देख लिए हैं, तो चलो एक और लास्ट काम करते हैं, वो ये करते हैं कि मैं तुम्हें फ्रूट्स भी दिखाता हूँ कि इनमें से कौन कौन से फ्रूट्स हैं और कौन कौन से ट्रीज लगे हुए हैं यहाँ पे, तो फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो एक एक करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये वाला कौन सी चीज़ है, ये है ऑरेंज, वाओ देखो हर 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 मतलब वार करने पे कोई ना कोई ऑरेंज नीचे गिर रहा है। और ये क्या है, ये मुझे आई थिंक लग रहा है पियर, ओके, तो ये भी मुझे, ये भी मेरा फ्रूट फेवरेट है। ये क्या है, चेरी है क्या, नहीं ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये भी मैंने कभी भी नहीं खाई, आई थिंक खाई होगी आई थिंक, तो ये है एप्पल, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो पक्का बनाना है, पक्का बनाना, करे यहाँ माइनक्राफ्ट में मॉन्कीज नहीं है, लेकिन अगर तुम कमेंट्स करके बोलो कि मॉन्कीज भी लेके आओ माइनक्राफ्ट में, तो मॉन्कीज को भी मैं लेके आऊँगा माइनक्राफ्ट में, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट नूब, मैं प्रो बन गया हूँ प्रो, तो प्रो में हम मॉन्कीज को भी लेके आएंगे, लेकिन अगर तुम कमेंट्स करके बोलो तो, अगर डिमांड करो तो हम माइनक्राफ्ट में मॉन्कीज भी लाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये मुझे अजीब लगा, ये कौन से अंगूर हैं, ओलिव्स, ओके, तो ये मैंगो ढूंढ रहा हूँ, मैंगो नहीं मिल रहा अभी, ओ मैंगो का नाम लिया, मैंगो मिल गए, वाओ। तो यार अपने गेम को भी एंड करते हैं, आई होप यार तुम्हें मज़ा आया होगा। और हाँ यार, मैं कश्मीर ट्रिप पे गया था तो मैंने व्लॉग बनाया, वो व्लॉग मैंने खलील व्लॉग्स पे अपलोड कर दिया है। और हाँ यार, आईफोन 12 तुम्हें चाहिए तो यार इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे फॉलो करो यार। और हाँ, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल आई एम खलील को, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो यार बहुत दिनों से कुछ दिल कर रहा है तुम्हें कहने को, तो आई लव यू यार, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी। तो आज के लिए इतना ही, बाय।